अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके पास आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको चिकन चाहिए और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें साल्ट ऐड किया और इसमें कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, इसको मैरिनेट कर लेंगे। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया और 1 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। गाइस, कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो गाइस, पहले हम चिकन फ्राइड राइस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक पैन में चाहिए ऑयल। ऑयल को आप गर्म कर लें और उसके बाद इसमें 3 अदद में अंडे ऐड करूंगी। आप जितने चाहे मर्जी अंडे ऐड कर सकते हैं। जब थोड़ा सा इसमें पकने के करीब होंगे तो इसमें हल्का सा आपने नमक ऐड करना है और हल्का सा ही काली मिर्च का पाउडर। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए वरना सिर्फ नमक आप ऐड कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से इनको पका लें। और गाइज, आपने इनको पीसीज में ही पकाना है। अंडे पकाने के बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड पर कर देंगे। यहाँ पे गाइस हम मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे और 5 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था उसको 5 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए वरना आप मत ऐड कीजिए। मैं इसमें ऐड करूँगी और सारे जो हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा था सारा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे। आप चाहें तो गाइस शैलो फ्राई भी इसको कर सकते हैं और चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी और गाइस मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। आप इसको मीडियम आंच पे पकाइएगा। इसका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इस सारे चिकन को जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी का बच गया है वो भी सारा हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब तक वो फ्राई हो जाता है तब तक हम दूसरा स्टेप भी साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल लिया और यहाँ पे मैंने अनियन ऐड कर लिए हैं। 2 मिनट तक अनियन को हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब अनियन का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे गाजर ऐड करूँगी 1/2 कप और शिमला मिर्च 1/2 कप ऐड करूँगी और बंद गोभी मैं 1/2 कप ही ऐड करूँगी। और इन सारी हम वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट तक सॉटे करेंगे और फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिली सॉस 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी और सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे बहुत थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। गाइस, मैं यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी और नमक। और गाइस, साल्ट आप एज रिक्वायर्ड ऐड कीजिए, चेक कर लीजिएगा आप अपने चिकन और राइस की क्वान्टिटी या वेजिटेबल्स की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग ही इसमें साल्ट ऐड कीजिएगा। और जो चिकन हमने फ्राई कर लिया हुआ था वो भी इसमें ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट तक दोबारा इसको हम मिक्स करेंगे। और अब जो हमने चावल बॉईल करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो गाइस, राइस आप ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इन सबको मिक्स कर लें ताकि गाइस चिकन और वेजिटेबल अच्छे तरीके से चावलों में मिक्स हो जाएं। और एंड पे हम इसमें जो हमने एग फ्राई करके रखा हुआ था वो भी उसके ऊपर ही डाल देंगे। हमारे मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस रेडी है। अब हम मंचूरियन की तरफ आते हैं। मंचूरियन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन, उसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें साल्ट ऐड किया, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, 1 टेबलस्पून हमने इसमें सिरका ऐड किया, 2 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया और एंड पे हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो गाइस, जितने भी स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो सब आपको मैंने मेंशन भी कर दिए हैं, आपको शो हो रहे होंगे, आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। और अच्छे तरीके से सबको मिक्स करके आपने इसको 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 15 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक करना है। तो देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं इसको मैरिनेट हुए और अब हम इसमें फाइनल जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने गज 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च के ऐड किए और 1 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड किया और 1 मैंने अंडा ऐड किया। अंडा ऐड करने के बाद इन सब को अच्छे तरीके से दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, ग्लव्स पहन के या फिर आप किसी भी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। गाइस, मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, आपने यहाँ पे जो इसके पीसेस हैं चिकन के वो थोड़े बड़े रखने हैं, मेरे से थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए हैं, ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने आपको बता दिया। आप इसको छोटे ज़्यादा ना कीजिएगा, ज़्यादा आप इनको कट ना कीजिएगा, थोड़ी बड़ी आप इसकी बोटियाँ रखिएगा। और यहाँ पे हम इसको भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। गाइस, फ्लेम आपने मीडियम रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ये जल जाएंगे और ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो देखिए मेरा बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, इनको भी हम अब निकाल लेंगे। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर सारा को पकाया है और सारा चिकन जो है वो मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे अब हम मंचूरियन की तरफ आते हैं। मंचूरियन को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने
एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया और ऑयल डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट गाइस ऐड करने से इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाता है और उसको हम दो मिनट तक पकाएंगे। और पकाने के बाद जो है हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, अनियन ऐड करेंगे और साथ में शिमला मिर्च। गाइस यहाँ पे आपने क्यूब्स की शक्ल में सब कुछ काटना है, यानी कि शिमला मिर्च, अनियन और चिकन भी आपने क्यूब्स की शेप में ही काटना है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया। और यहाँ पे गाइज आपने इसका फ्लेम हाई रखना है, आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं इसमें रेड चिली यानी कि सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चीनी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और स्पाइसेस भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, बाद में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। और यहाँ पे मैं 1 भर के कप मैंने केचप का लिया है वो ऐड किया। मैं थोड़ा गाइस ज़्यादा बना रही थी मंचूरियन, आप जितना बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें केचप ऐड कीजिए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद होता, अगर ज़्यादा आप केचप डालेंगे तो ये आपका मंचूरियन बहुत मीठा बन जाएगा। और 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया, जब तक कि उसमें बॉयल आता है तब तक हम यहाँ पे कॉर्न स्टार्च के मैंने 2 टेबलस्पून लिए और 3 से 4 टीस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया। और अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स करना है, इसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, सबको डिजॉल्व होना चाहिए। और हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जितना हमें थिक चाहिए मंचूरियन, जितनी हमें थिकनेस चाहिए उतना ही हम इसमें ऐड करेंगे। और एंड पे हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो 2 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे तो हमारा मज़ेदार सा मंचूरियन रेडी है। तो गाइज़ अब हम इसमें थोड़े से सेसमी सीड्स डाल देंगे खूबसूरती के लिए। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, हमारा मज़ेदार सा मंचूरियन रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो गाइज़ अब हम सबसे पहले प्लेट में हम राइस जो हमने फ्राइड राइस बनाए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े थोड़े करके। तो आपको गाइज़ लुकिंग से ही पता चल रहा होगा कि कितने ये यमी बने हैं, बहुत मज़ेदार से हमारी रेसिपी रेडी हुई है। और मंचूरियन भी हम इसी में ही हम मंचूरियन भी ऐड कर लेंगे। तो गाइज़ इसके ऊपर हम थोड़े से सेसमी सीड्स डाल लेंगे इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं दोनों चीज़ें, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, मैंने बहुत आसानी के साथ आपको शेयर की है, बनाना आपको सिखाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आऊँगी अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।